अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू तारी व्लॉग। तो अब हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के यहाँ। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो यहाँ से जाते हैं हम सीधा अपनी सिस्टर के यहाँ और फिर उनके घर पे मिलेंगे। तो अभी रास्ते में जो जो चीज़ें आपको दिखाती मिलती जाएंगी वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाती जाऊँ। नागिन क्या हो गया, नाग मर गया था, नाग मर चुका था यहाँ पर। तो एक नागन जो थी यहाँ पर जो एक घूमती रहती थी और लोगों को मारती थी। तो मैं भी आपको इसका नज़ारा दिखाती हूँ कि ये नागन चुरंगी है कैसी। सीढ़ियाँ चढ़कर बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब यहाँ पे भाई पंखा वंखा चला दो, पानी शरबत पिला दो, हम आ चुके हैं अंदर। गर्मी से बहुत बुरा हाल है। सिस्टर ने हमारे लिए मंगाए थे समोसे, गर्मा गर्म समोसे आलू के, और इसमें केचप चटनी और रायता भी था। इसमें नींबू पानी सिस्टर ने बनाया था और जिसको पीकर तो चार्जिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा चार्जिंग हो गई थी गरम गरम समोसे के साथ, और मज़ा आ गया नींबू पानी पी के। तो अचानक अचानक मेरी बहन बना रही है बिरयानी और बड़ी ज़बरदस्त सी जो है बिरयानी बन चुकी है, और हमने अर्जेंट आके अपनी बहन को परेशान कर दिया। चलिए आप ढक्कन रखिए, बिरयानी दम लगाइए और मज़े से खाइए। सिस्टर ने चला दिया एयर कूलर और इससे हवा बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ठंडी ठंडी पानी के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे तो मैं बैठी हूँ मज़े से और हवा खा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने निकाली बिरयानी। तो ये हमारा मेरा बाजा पहले से बैठ चुका है। ओ इधर बाजे बोलो, लाइक करें, शेयर करें, तो भाई बिरयानी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी दावत हो गई है अचानक अचानक, तो सब ने बिरयानी जो है निकालना शुरू कर दी थी। तो मैंने भी अपने लिए बिरयानी निकाली, रायता और सलाद डालकर, बड़े मज़े की बनी थी बिरयानी, बहुत मज़े की बनी थी। मिर्ची वगैरह सब नॉर्मल थी, बहुत मज़ा आया बिरयानी खाने में, सब इंजॉय कर रहे थे बिरयानी खाने में, हम लोग भी इंजॉय करने लग गए, और बिरयानी तो ज़बरदस्त बनी थी।
यहाँ पे भाई भी खा रहे थे मेरे, और भाई ने भी बड़ी सी बाइट ली और मज़े से बिरयानी को एंजॉय करा, और भाई ने भी तारीफ़ करी कि सिस्टर आपने तो ज़बरदस्त बिरयानी बनाई है। फिर हम घर के लिए रवाना हो गए, और 6 सीटर में तो खूब अंधेरा हो रहा था, रात हो चुकी थी, और फिर हमने बाहर की तरफ़ देखा तो लाइटिंग ही लाइटिंग थी, और इंजॉय करते हुए हम निकल गए, घर के लिए रवाना हो गए। हम लोग सिस्टर के घर से आए तो मम्मा ने कहा कि चाय बना लो, तो चाय बनानी मैंने रख दी चाय, गपशप दुख की चाय बनाऊंगी मैं 2 कप, और मेरा बड़ा भाई तो पिएगा नहीं चाय। तो चाय बनाते बनाते मेरी नज़र पड़ी तो किचन बहुत गंदा हो रहा है, तो मैंने बोला कि बर्तन धो दूँ, फिर मैं सुबह धोती हूँ, पर मैंने बोला सुबह नहीं धोना चाहिए क्योंकि शैतान जो है बर्तनों में लौटने लग जाएगा, तो इससे पहले ही कि मैं शैतान इसमें उल्टी पुल्टी हरकतें करे, तो इससे बेहतर है कि मैं इसको बर्तन को धो लेती हूँ। तो बर्तन धोने के बाद और चाय बनाने के बाद थोड़ी देर में मिलते हैं, 5 मिनट में बर्तन क्लीन करने के बाद, तो किचन साफ़ करने के बाद 5 मिनट में चाय भी तैयार हो जाएगी और बर्तन भी धुल जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं। मैंने बना ली है अब चाय, और बर्तन वगैरह भी अब धुल चुके हैं, तो 5 मिनट में काम सारा हो चुका है, तो अब चाय निकाल के मम्मा और मैं चाय पियेंगे और फिर रात में रेस्ट करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं चाय पीने के बाद नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।